जिनके पास से अवैध हथियार और भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए। पकड़े गए बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। क्षेत्राधिकारी विजय आनंद ने बताया कि अपराधियों के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी के तहत सिरसा कलार थाना पुलिस द्वारा क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, उसी दौरान ग्राम टिकड़ी मोड़ के पास दो बदमाश सुरेश और रामाशंकर किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में क्षेत्र में घूम रहे थे। पुलिस ने घेराबंदी करते हुए दोनों को पकड़ लिया है। अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना सिरसा कलार पुलिस में ने दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जो 2020 के एक मुकदमे में वांछित थे। उनको मुठभेड़ के दौरान दोनों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों के पास से दो तमंचे भी बरामद हुए हैं। अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है, आगे बैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, जिस तरीके से बताया गया मुठभेड़ में गिरफ्तार हुए, उस तरीके से बदमाशों ने भी पुलिस पर फायरिंग की है, क्या कोई पुलिसकर्मी इंजर्ड हुआ है क्या? बदमाशों ने हवा में फायरिंग किया था जी, तो और बाकी कोई चोटें नहीं हुआ है। हल्का फुल्का थोड़ी सी एक सिपाही को चोट लगी है।